हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो टाइम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके सामने कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, और हमारे लिंक में जो टेलीग्राम चैनल दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक बंदा जो कोचिंग एक्सेस नहीं कर पा रहा है, पेड कोर्सेज नहीं एक्सेस कर पा रहा है, उस तक जो है ये वीडियोस पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। अब ट्रेंड को हमने किस किस मेथड से जो है मेजर करना है। सबसे पहला मेथड हमारे पास आ जाता है ग्राफिक मेथड। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ग्राफ मेथड ये जो है सबसे सिंपल मेथड है मेजरमेंट ट्रेंड को मेजर करने के लिए, सबसे सिंपल मेथड और सबसे सिंपल और इजी मेथड। लेकिन ये एक सब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, क्या मैं सब्जेक्टिव मेथड है ये मैं आपको समझाऊंगा सब्जेक्टिव मेथड कैसे है और क्यों सब्जेक्टिव मेथड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ईयर दिया है 1999, 2000, 2001, 2002, 2003। यहाँ से मैं आपको 10, 12, 14, 15, 18, ठीक है, ये हमारे पास सेल्स हैं और ये हमारे पास ईयर है। ठीक है, तो अब हमें क्या है इसको जो है ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये डाटा जो है हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ये हम कैसे करेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक साइड से हम ईयर, इस साइड से हम ईयर ले लेते हैं, इस साइड से सेल्स। ठीक है, सेल्स को हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, ईयर हो गया हमारे पास 1999, 2000, 01, 02, 03 एंड 04। ठीक है, ये इस तरह का जो है ग्राफ होता है। अब हमने जो डाटा इस पे प्लॉट करना है, सबसे पहले हम देखेंगे 1999 यहाँ है और इस पे कितनी सेल्स है हमारे पास 10। ठीक है, इसके बराबर ऊपर जो है यहाँ एक डॉट लगाएंगे। उस पर 2000 पे कितना है हमारे पास, 2000 पे हमारे पास 12, ये जो हमारे पास है 12, 2000 के पास हमारे पास 12। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं 11, 2001 पे हमारे पास कितना है 14, 2001 यहाँ जैसे। ठीक है, उसके बाद 2002 पे हमारे पास 11, 2002 पे हमारे पास आ गया 11, ये यहाँ पे, और 2003 पे हमारे पास 18, ये आ गया इस तरह का। अब इन डॉट्स को मिलाना है हमें फ्री हैंड, फ्री हैंड से मिलाना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, ये बन गया आपका ट्रेंड। ठीक है, ये बना आपका ट्रेंड थ्रू ग्राफिक मेथड। अब मैंने आपको बोला था कि ये सब्जेक्टिव मेथड है, क्यों है, यहाँ से आगे अब हमने ट्रेंड प्रिडिक्ट करना है। कोई बोलेगा कि नहीं यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई बोलेगा नहीं यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई बोलेगा नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो है एग्जैक्टली जो है हर बंदा जो है, हर बंदे को जो है अपने फ्री हैंड से जो है प्रिडिक्ट करना है ट्रेंड। होप आपको ग्राफिक मेथड जो है वो समझ आया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ सेमी वेरिएबल्स। ठीक है, मेथड ऑफ सेमी वेरिएबल्स जो है हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। मेथड ऑफ सेमी वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास फॉर एग्जांपल 9
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ये हमारे पास डेटा दिया है 10, 12, 16, 18, 20 और 2005 का 26, ठीक है, ये हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारे पास ईयर है। तो सेमी एवरेजेस में हम क्या करते हैं, सेमी एवरेजेस में हम जो है पहले जो है इसको और इसको जो है स्प्लिट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद उसके बाद हम करते हैं इसका एवरेज और इसका एवरेज, और यहां से ईयर्स का एवरेज, ठीक है, यानी कि सेल्स का एवरेज और ईयर्स का एवरेज। आइए देखते हैं, पहले ईयर्स का एवरेज हमारे पास जो है, अगर आप निकालोगे यहां 2001 आएगा, यहां पे 2004 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल्स का एवरेज करते हैं तो हमारे पास 10 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12.67, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा करते हैं, 16 को हम 18 बनाते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 नहीं, 16 को हम 17 बनाते हैं, अगर 16 को 17 बनाएंगे तो ये 39 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 13, ठीक है, एवरेज कितना आया हमारे पास, 13। उसके बाद हम नेक्स्ट का एवरेज निकालेंगे, 18 प्लस 20 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा, 64, ठीक है, इसको हम करते हैं 28 ताकि हमारे पास 66 आए, यानी कि फ्रैक्शंस में हम इसको फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं और ये कितना आ जाएगा, 22। अब हमारे पास एक एवरेज 13 आ गई और एक 22 आ गई, ठीक है, और ईयर्स भी हमें पता है, एवरेज 2001 एक एवरेज आया, एक 2004 आ गया। अब हमने जो है इस जो जो हमारे पास एवरेज आई इसको हमने प्लॉट करना है कहाँ पे, ग्राफ पे। अब हम यहाँ पे अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया और एक साइड से ईयर लेते हैं हम और एक साइड से सेल्स, ठीक है, हमारे पास ईयर जो हैं वो हैं 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 and 0, 4 और 0, 5 भी है हमारे पास, 0, 5 पाँच साल का है और सेल्स है हमारे पास 6, 12, 18, 24 और 30, ठीक है। अब हम इस डेटा को जो है प्लॉट करेंगे, ये एवरेजेस, ठीक है, 13 जो है 2001 हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास 2001 है और 2001 पे हमारे पास कितना है, 13, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे। उसके बाद 2004 पे जो हमने एवरेज निकाला वो कितना आ गया, 22, 2004, ये 2004 पे हमारे पास 22 आ गया, यानी कि यहाँ जैसे, और ये ट्रेंड को फिर इन दो को ज्वाइन करेंगे जब आप, ये आपके पास बनेगा ट्रेंड थ्रू मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, सेमी एवरेजेस, ठीक है, सेमी एवरेजेस, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे तो 6 दी हुई थी, अगर यानी कि इवन थी, अगर हमारे पास ऑड होंगी तो उस टाइम हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम करना है,
लेकिन हमने जो है ऑड में जो है पहले तीन, लास्ट के तीन, ठीक है, और अगर यहाँ पे सात होते तो मिडल वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, मिडल टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं, पहले तीन को और लास्ट के तीन को लेते हैं। अगर नाउ होते हमारे पास पहले चार लास्ट के चार, मिडल टर्म को इग्नोर करके सेम ईयर का एवरेज करके, उसके बाद सेल्स का एवरेज करके हम जो है डाटा को प्लॉट करके ये ट्रेंड निकालते, ये हो गया हमारे पास मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस।